है फ्रेंड्स, आज हम दिखाऊंगा कि इस तरह का जाली डिजाइन को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, ये इसको बोलते हैं रूलर। कंट्रोल आर प्रेस करने से ये एनेबल हो जाता है। फिर इधर से गाइडलाइन लेके नीचे वाला जगह को हम इक्वलाइज करेंगे। चारों तरफ से ऐसे गाइडलाइन लेके इसको हम सीधा कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे और देख लीजिए, ये लगभग सीधा हो गया। एंटर। अभी क्रॉप करके इसको ऐसे छोटा कर देंगे। एंटर। तो ये लगभग सीधा हो गया। अभी क्या करना है, इसको ड्राइंग करना है। तो पहले इसको जेपेक फॉर्मेट में हम सेव कर लेंगे। सेव। इसके बाद हम कोरल में जाएंगे। और इधर हम फाइल इंपोर्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, इधर से हम इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर अभी इसको बड़ा करने का जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही हम ड्राइंग कर लेंगे। देखिए, इधर से हम गाइडलाइन लेके सेंटर पोजीशन को देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह का ड्राइंग करना है। तो हम इधर जाके पहले ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है, विड्थ को हम नाप लेंगे। इधर देखिए, विड्थ है 4.5 रखता हूँ। अच्छा, थोड़ा कम कर देता हूँ, 4.6 कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। कंट्रोल प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका विड्थ हाइट होगा 4.6। ओके, अभी नीचे वाला जो इमेज है, इमेज को हम लॉक कर देंगे राइट क्लिक करके, लॉक ऑब्जेक्ट। और ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं, इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करके इसका आउटलाइन कलर चेंज कर देंगे। इधर इसको भी सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करके इसका भी आउटलाइन कलर चेंज कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सी प्रेस कर देंगे। सी प्रेस करने से ये सेंटर में आ गया। अभी क्या करना है, ये जो सर्कल है, सर्कल को थोड़ा ऊपर के तरफ लेके जाना है। तो ये सर्कल को सिलेक्ट करके आप एरो प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर के तरफ ले जाएंगे। अभी बराबर आ गया, और थोड़ा सा जाएगा, और थोड़ा सा बस। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसको हल्का सा डाउन कर देंगे ऐसे। फिर ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके वील्ड कर देंगे। ठीक है, वील्ड करने के बाद इधर पॉइंट को थोड़ा चेक करेंगे, सही है। इधर लाइन जो है इसको मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, और थोड़ा बस। अभी देखिए, इधर एक्स्ट्रा लाइन ऐसे बन जाता है। तो ये नीचे वाला लाइन के साथ इसको सही करना है। ये वाला लाइन को कंट्रोल प्रेस करके ये जगह पे रखना है। तो हल्का ऊपर रख के ये लाइन को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे पॉइंट को। बस इधर भी देख लेंगे। ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हल्का सा इधर रख के ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट। अभी इस पॉइंट को हम
हल्का कंट्रोल प्रेस करके लेके जाएंगे, बस ये हो गया। अभी हमें इनसाइड में ये कितना दूरी तक ये है ये नाप लेना पड़ेगा। तो इधर से इधर तक कितना दूरी है, इधर दिख जाएगा 0.192। तो हम इसको सिलेक्ट करके इनसाइड में 0.192 देंगे, स्टेप रखेंगे वन स्टेप अप्लाई, ये हो गया। फिर अरेंज में जाके ब्रेक कॉन्टूर ग्रुप अपार्ट ऐसे अनग्रुप कर देंगे। फिर इधर से ये कितना डिस्टेंस है ये देख लेंगे, 0.308। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर रखेंगे 0.308 अप्लाई, फिर अरेंज में जाके ब्रेक अपार्ट, फिर इसको सिलेक्ट करके पहले जैसा 0.192 बस। अभी क्या करना है, इसके बीच में से वो सब डिलीट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इधर जितना हमने ड्राइंग किया है इसको ऐसे सिलेक्ट करके अरेंज ब्रेक अपार्ट कर लेंगे सबसे पहले, फिर कॉम्बाइन। अभी क्या करना है, वो जगह बाकी जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करके ये शेप एरो लेके शेप टूल लेके इसको ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा रख देंगे, ठीक है। फिर इधर ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम इधर से इसको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये अलग हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसको ये पोजीशन तक लेके जाना है ऐसे, और इसको ऊपर तक ऐसे इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक, फिर सब्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या करना है, इसको दोबारा ऊपर लेके जाना है। तो इसको सिलेक्ट करके आप एरो प्रेस करके ऊपर लेके जाएंगे, बस फिर शिफ्ट प्रेस करके सब्ट्रैक्ट, फिर ये वाला सिलेक्ट करके फिर से ऊपर लेके जाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला लाइन सिलेक्ट करेंगे और फिर से सब्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट रख के 90 डिग्री में रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद इसको ऐसे पतला कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके इधर सिलेक्ट करके सी प्रेस कर देंगे तो मिडिल में आ जाएगा। इसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक, पहले ये लाइन सिलेक्ट, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस लाइन के ऊपर क्लिक करके सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी इधर ये और ये लाइन इक्वली होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाके ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको अलग रख देंगे ऐसे, राइट क्लिक कर देंगे इसको तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके फिर से कॉम्बाइन कर लेंगे कॉम्बाइन। अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक, फिर सी प्रेस कर देंगे तो ये मिडिल में चला आएगा। अभी जितना तक हाइट रखना है ऐसे कम कर देंगे और ये वाला जगह पे भी इसको ऐसे कम कर देंगे, फिर इसको कंट्रोल पकड़ के और प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, राइट क्लिक कर देंगे। अभी हमें ये वाला डिजाइन बनवाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, अच्छा मैं बार बार आउटलाइन के ऊपर ऐसे चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ राइट क्लिक। फिर क्या करूंगा, बाहर क्लिक करके इधर राइट क्लिक कर देंगे तो हमेशा रेड कलर का ही आउटलाइन आएगा। इसको मोटा कर लेता हूँ इधर से,
और बाहर क्लिक करके फिर से इधर क्लिक कर देंगे, ऐसे ओके कर देंगे तो बार बार ऐसा ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे रख देंगे, राइट क्लिक, फिर पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे। हो गया, फिर ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक करके इसको काट देंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके ऐसे घुमा देंगे और इसको हल्का सा ये पोजीशन में रख के फिर इसको वील्ड करेंगे। वो करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर अरेंज शेपिंग इधर से वील्ड, फिर अरेंज क्लोज पाथ इधर क्लोज नोट विद स्ट्रेट लाइन कर देंगे। फिर क्या करना है, ये तीनों को सिलेक्ट करके, अच्छा सिलेक्ट करने से पहले इसको सिलेक्ट करके ऐसे सी प्रेस कर देंगे तो मिडिल हो जाएगा, फिर इसको हम सिलेक्ट करके माउस से होल्ड कर देंगे, ये शेप बन गया। अभी हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल प्रेस करके ऐसे डुप्लीकेट करके रखना है और एक इधर कंट्रोल प्रेस करके ऐसे रख के राइट क्लिक कर देंगे, फिर इसको सिलेक्ट रख के सी प्रेस करके इधर क्लिक करेंगे और सी प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर इसको डाउन एरो से नीचे तक की तरफ लेके जाएंगे जो पोजीशन में हमें रखना है, ऐसे रखेंगे। और एक दूसरा है ऊपर की तरफ, तो इसको कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रख देंगे। और ये वाला जो है, फिर से अरेंज में जाके ब्रेक अपट कर रहा हूँ, इसको ऐसे सिलेक्ट करके ये दोनों को हम कॉम्बाइन कर रहा हूँ। फिर देखिए इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करके इधर क्लिक कर देंगे और सी प्रेस कर देंगे तो मिडिल में आ जाएगा। फिर देखिए इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक, फिर टी प्रेस करेंगे तो हाइट बराबर में आ जाएगा। बस अभी इसको पूरा पूरा कॉम्बाइन करना है तो हम इसको कॉम्बाइन कर रहा हूँ। फिर हमें ये ओम बनाना है तो इधर क्या करेंगे, पहले सर्कल तो इस तरह का सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये वाला कॉम्बाइन कर लिया था तो इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करके ये वाला लाइन, फिर सी प्रेस कर देंगे तो मिडिल में आ जाएगा। अच्छा ये थोड़ा बड़ा होगा तो सी प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा और एक सर्कल चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके इसको इस पोजीशन में रख के राइट क्लिक कर दिया। अच्छा ये सर्कल मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा होगा तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके सी प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। बस अभी क्या करना है, हमें ये स्वस्तिक जो साइन है इसको ड्रॉ करना है तो पेन टूल से इस तरह का ड्रॉ कर देंगे तो हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके इधर काट देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। फिर क्या करना है, इधर क्लिक करके और एक बार क्लिक, दो बार क्लिक करने के बाद ये जो सेंटर है ये सर्कल के एकदम सेंटर में रख देंगे। और ये करने के लिए हमें कुछ ऑप्शन इनेबल करना है। देखिए इधर ये जितने सारे ऑप्शन है सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये वाला क्लिक करके ये फिर से और एक बार क्लिक, इसको सेंटर में रख देंगे। देखिए सेंटर में जब जाएगा ऐसे सेंटर बोल के लिखा देखने को मिल जाएगा। देखिए देख रहे हैं मिडिल पॉइंट। अभी क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐसे घुमाना है, राइट क्लिक फिर कंट्रोल आर फिर कंट्रोल आर, बस। अच्छा ये वाला हल्का डाउन एरो करके नीचे की तरफ लाएंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। फिर ये चारों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करके ये चारों सिलेक्ट हो गए, हम इसको व्हील कर देंगे। इसके बाद क्या करना है,
इसको अरेंज में जाके ब्रेक अपार्ट करना है और ये अंदर वाला जो लाइन है इसको डिलीट करना है। अभी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फिर शिफ्ट प्रेस करके इधर ऐसे क्लिक कर लेंगे सी ई, ठीक है। अभी ये सर्कल, ये लाइन और ये रेक्टेंगल, ये तीनों को कॉम्बाइन कर लेंगे और एक कलर देके हम इधर देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो सर्कल है इसको इसके साथ वेल्ड करना है। देखिए ये बन गया। फिर हम इस कलर को इधर लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट रख के नान कर देंगे, फिल नान कर देंगे। अभी हमें ओंग सिंबल को ड्राइंग करना है तो पेन टूल लेके इस तरह का ड्राइंग कर लेंगे। ऑल्ट प्रेस करके इधर काट लिया, इधर भी ऑल्ट प्रेस करके ऐसे काट देंगे। अभी क्या करना है, ये जो सर्कल है सर्कल के साथ ये लाइन सिलेक्ट करके हमें इसको कॉम्बाइन करना है। फिर अलग सा करके ये ओम को कॉम्बाइन कर लेना है। फिर शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक करके वेल्ड कर देना है। बस ये हो गया। अभी इसको हम कलर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। समझ गए? तो इस तरह से हम इस टाइप का डिजाइन बना सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।